ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले के तार कोयलांचल धनबाद से भी जुड़े हैं। ड्रग्स मामले में मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट से मनीष लासगड़िया और अवीन साहू को जमानत मिल गई है। धनबाद की कतरास निवासी मनीष के जमानत मिलने से उसके दोस्त और पड़ोसी बहुत ही खुश हैं। मनीष लासगड़िया धनबाद के कतरास इलाके का रहने वाला है। मनीष के पिता एक बड़े उद्योगपति हैं। उनका उड़ीसा में आयरन स्पंज का कारोबार है। मनीष का परिवार पहले कतरास के मस्जिद पट्टी में रहता था, बाद में उड़ीसा शिफ्ट हो गया था। उसके चाचा अभी भी कतरास में ही रहते हैं। बता दें कि कतरास निवासी मनीष आरोपी नंबर 11 है। एनसीबी के अनुसार मनीष को 2.5 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया था, जबकि उनके वकील का कहना है कि मनीष के पास ड्रग्स नहीं थे। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापा मारा था। छापेमारी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ मनीष समेत अन्य को नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा था। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस पूरी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि मनीष पर पहले भी गांजा तस्करी में शामिल होने का आरोप लगा हुआ है। वही इस बार इस शख्स के तार बॉलीवुड से जुड़ गए हैं। मुंबई के चर्चित आर्यन केस की तार बिहार के मोतिहारी के साथ साथ झारखंड के धनबाद से भी जुड़ गए। धनबाद से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।